ये वो तीन वजीर हैं जिन्हें साथ कर बीजेपी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई हार का बदला लेने की तैयारी में है। बदले की ये आग इतनी शदीद है कि इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मिल्कीपुर असेंबली बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां कई दौर की हो चुकी हैं। मिशन मिल्कीपुर के लिए तैयारियों की सबसे ताज़ा तस्वीर कल आई जब योगी कैबिनेट के चार चार वजीर मैदान में नजर आए। चारों वुजरा ने मिल्कीपुर असेंबली हलके के चारों मंडल के सदर और इंचार्ज के साथ शहादतगंज में पार्टी दफ्तर में बैठक की, जहां फैजाबाद के साबिक एमपी लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मिल्कीपुर में कारकुनान को जीत के मंत्र दिए गए। बैठक में कारकुनान से अपने घर को मजबूत करने के लिए कहा गया तो कैमरे पर ऑपोजिशन पर जुबानी तीर छोड़े गए। निशाने पर वही मुद्दा रहा जिसे बीजेपी की अयोध्या हार की वजह मानी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं और 2019 में इससे आज जो मेजॉरिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा थी। यदि उनको संविधान को बदलना होता तो उस समय बदल सकते थे, लेकिन ये कभी भी इरादा नहीं रहा। वो जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख करके गए थे। तो जिनका इतना निष्ठा और आस्था है उसके बारे में ये बात कहा जाए, ये सिर्फ गफलत पैदा करने की कोशिश नहीं है। मिल्कीपुर में बीजेपी रिजर्वेशन पर इस भ्रम को तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो जीत की इबारत लिख पाएगी और अयोध्या से हिंदुत्व की सियासत भी नए सिरे से धार लेगी, क्योंकि जिस राम जन्मभूमि से बीजेपी का सियासी सफर घर घर पहुंचा है, 24 के नतीजों के बाद अपोजिशन ने अयोध्या का राजा किसी और को करार दिया है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी राजा अयोध्या। अखिलेश ने अयोध्या का राजा अवधेश सिंह को घोषित किया तो उसके पीछे आधार बताया जा रहा है कि सीएम योगी के यूपी असेंबली का वो बयान जो उन्होंने तुलसीदास के हवाले से कहा था। और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। अब अयोध्या में सियासी वकार बचाने के लिए, अयोध्या की सियासी रिवायत बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने मिल्कीपुर में बिसात बिछा दी है और इसे अंजाम तक पहुँचाने के लिए कारकुनान को भी जीत का मंत्र मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।